हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है 140 सीटों पर रोक देगी। देखिए, अगर प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके मिल गया है, रोजगार रोजगार देंगे, जाइए। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब सातवें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ सातवें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया, और केवल सपने दिखाए, और इनका हर जुमला झूठा निकला। देखिए, न केवल एरएच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतजाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतजाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है, और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है, और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस एक ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में, 1-1 साल में अलग अलग प्रधानमंत्री। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है, और विजन क्लियर है उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है? जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी थे, आत्मतुष्टिकरण करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण से प्रसन्न होते थे, उनको जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी।